हम लोगों ने 15-20 दिन पहले अमृतनगर में भी एक ऐसा ही कैंप लगा था जिसमें 40 लोगों का मोतियाबिंदों का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था। चेकअप से लेके एवरीथिंग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। और मेरे जो वालिद हैं अशरफ शानू पठान, वो 15 साल से ऐसे कैंप्स लगवाते हैं मुमरा में और आँखों के, जिससे हमारी पूरी टीम की मेहनत से और मेरे वालिद के एफर्ट्स से हम लोगों ने कई सौ लोगों के ऑपरेशन आँख के फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाए हैं। बट ये जो ये बहुत अच्छा ट्रस्ट है, इसके थ्रू हम लोगों ने इसके 15-20 दिन पहले अमृतनगर में लगवाया कैंप, जो बहुत सक्सेसफुल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से वो बहुत हिट गया कैंप और लोगों का बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ उसमें। तो हमने वापस से यहाँ के जो कौसा के पट्टी के लोग हैं, इनका ये कहना था कि यहाँ पे अमृतनगर में आने उनको थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, तो एक कैंप यहाँ पर भी लगाया जाए। तो हमने इसी को ध्यान में रखते हुए एक कैंप यहाँ पर भी लगाया है, ताकि यहाँ के जो एरिया के लोग हैं, जो इनकी नीड थी, डिमांड थी कि यहाँ पर भी एक लगाया जाए, वो फुलफ़िल हो। और अभी तक के 300 लोगों से ऊपर चेकअप्स हो चुके हैं। अब उसमें से कितने मोतियाबिंदु है, क्या है, वो जब कैंप ख़त्म होगा तब हम लोगों को जो नंबर है एग्जैक्ट वो पता चलेगा। आज हॉस्पिटल में कितने लोगों को ले जाने का टारगेट है? हमारा टारगेट तो जितने हो सके उतने हैं, 100+ टारगेट है। बट कभी कभी ऐसे होता है कि किसी की डायबिटीज़ बड़ी हुई होती है या किसी की कुछ यू नो हार्ट की दवा चल रही होती है कुछ, तो इसकी वजह से पेशेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसी के लिए मैंने खुद भी जा के सर्वे किया था, खुद भी जा के लोगों को बताया था कि आप लोग शुगर की दवा खाएं पहले से प्रायर ही, ताकि आपका शुगर बैलेंस रहे तो आपका चांस मिस नहीं होगा। ये तब कितने ये दिन का कैंप आपने रखा है? आज ही का दिन है ये कैंप। इसके अलावा आने वाले वक्त में कौन सा कैंप रखने की क्षमता रखती है? ये टाइम टू टाइम आपको पता चलते जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, ये जो आँखों के चेकअप का कैंप है, ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में, हमारे शानू भाई के सपोर्ट से ये मर्जिया ने कैंप लगाई है। तो ये लास्ट टाइम दरगाह रोड पे भी लगा था, तो वहाँ पर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो उसको देखते हुए मर्जिया ने बहुत अच्छा काम किया है कि ये अलमास में भी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मेरे को लगता है शायद फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने उनके नज़दीक इस कैंप को लगा के इस फ़ायदों को उनको उन तक पहुँचाया है। तो मैं उसके भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह मैं चाहती हूँ कि हमेशा उससे अच्छे काम इसी तरह लिया करें और उसके दुआएं मिलती रहें।